नमस्ते, मेरा नाम चंद्रहास है और स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। स्टडी स्मार्ट उन स्टूडेंट के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए और कुछ में सफलता भी हाथ लगी, जैसे IBPSPO 2013, IBPSPO RB 2013, IBPSPO RB 2014। लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल कंडीशंस के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अभी मैं एक नेशनल लेवल की NGO में सीनियर मैनेजर के पद पर दिल्ली में कार्य कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे अनुभवों का लाभ पाएँ। ध्यान रखिए, सफलता के लिए सिर्फ हार्डवर्क ही मैटर नहीं करता, बल्कि स्मार्ट वे में किया गया हार्डवर्क ही मैटर करता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस तो इससे होते ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है और वो उसे स्किप ही करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि उनका सोल्यूशन या आंसर राइट है या नहीं। इसकी वजह है सही अप्रोच का पता ना होना। वैसे तो सिलोजिज्म को सॉल्व करने के बहुत से मेथड आपने देखे होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको वेन डायग्राम मेथड बताऊंगा, क्योंकि इस मेथड की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। आप हर एक टाइप का क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, आपको पता भी होगा कि आपके द्वारा निकाला गया सॉल्यूशन या आंसर राइट है। वेन डायग्राम मेथड जनरली लोगों को पूरा पता नहीं होता या उन्हें इसके रूल्स पता नहीं होते, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो इस मेथड को ट्राई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको वेन डायग्राम मेथड यहाँ पूरी डिटेल में बताऊँगा और इसके कुछ रूल्स भी बताऊँगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आप हर एक क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने में सक्षम हो गए हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं। वेन डायग्राम के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूजन। हमको दिए गए स्टेटमेंट को ट्रू मानना होता है और उसके आधार पर ही कंक्लूजन्स को देखना होता है कि कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है कि हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, उसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। स्टेटमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, आप उसे ट्रू मानेंगे और उसी के आधार पर कंक्लूजन्स को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिया गया स्टेटमेंट अगर आपका क्वेश्चंस में है, ऑल डॉग्स आर कैट, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सारे डॉग्स कैट कैसे हो सकते हैं, कैट और डॉग का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। आपको दिए गए स्टेटमेंट को ही ट्रू मानना है और उसके आधार पर आपको कंक्लूजन्स देखने हैं कि आपके कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो बाकी चीज़ों को हमको ध्यान नहीं देना होता है कि क्या इसमें सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है, वो सारी फालतू की बातें हैं। हमको सिर्फ देखना है स्टेटमेंट क्या है और कंक्लूजन्स क्या आ रहे हैं। स्टेटमेंट में हमारे दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वांटिफायर होते हैं वो सारे वर्ड्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, सम हो गया, सम नॉट हो गया, ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिफायर्स होते हैं। आगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हर एक तरह के क्वांटिफायर्स को लेने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सम, सम नॉट, लिटिल, फ्यू, ये सब जो आते हैं ये सब सिर्फ आपको डराने के लिए होते हैं। आप अगर आपको लॉजिक पता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसका क्या आंसर होगा, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं। पहला होता है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपका, जैसा कि नाम से ही पता है,
यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपका हर एक कंडीशन में पूरा ट्रू ही रहेगा। ट्रू रहने का मतलब इसमें ये नहीं है कि जहाँ भी ये क्वांटिफायर लिखा होगा ट्रू होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अपने आप में पूरे सेट को लिए होगा। जैसे है ऑल, अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ऑल दी गई है, ऑल डॉग्स और कैट्स, इसका मतलब यह होगा कि कोई भी एक डॉग ऐसा नहीं होगा जो कैट ना हो। अगर ऐसा हो गया तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तो ऑल का मतलब क्या होगा, डॉग का पूरा सेट कैट ही होगा। जैसे नो, अगर कहीं पे नो लिखा है तो नो का मतलब भी क्या है, वो यूनिवर्सल ही है। अगर कहीं पे लिखा है नो डॉग्स आर कैट, इसका मतलब आपको एक भी डॉग ऐसा नहीं मिलेगा जो कैट हो। दूसरा क्वांटिफायर जो होता है उसको कहते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर मतलब थोड़ा बहुत कुछ, जिसको हम कहते हैं सम, लिटिल, एटलीस्ट, ये सारे क्वांटिफायर इसी में आते हैं। सम, फ्यू, एटलीस्ट, इटीसी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, बहुत सारे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इनको कैसे देखना है आपको। तो दो तरह के क्वांटिफायर्स हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। ये दो तरह के क्वांटिफायर ही हमको डील करने हैं पूरे सारे क्वेश्चंस में। सिलेबस में कुल टोटल चार तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पे चारों टाइप्स को देखेंगे और देखेंगे उनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं। और अगर आपने ये देख लिया और ये समझ लिया, समझ लीजिए आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिलोजिज में चार टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, हम अभी चारों टाइप्स के बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि इनको पिक्टोरिकली या डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे हम दो तरह के डायग्राम्स को देखेंगे, एक तो होगा हमारा बेसिक डायग्राम और दूसरा होगा पॉसिबल डायग्राम। ओके, चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जैसे लिखा हुआ है, ऑल एज आर बीज, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं। ये हो गया बी और इसके अंदर हमने बना दिया ए। यहाँ पे देखिए तो ऑल एज आर बीज, इसका मतलब जितना भी कुछ ए है वो सब बी के अंडर ही है। ओके, चलिए इसका दूसरा डायग्राम जो होगा वो कैसे बनेगा, उसको पॉसिबल डायग्राम बोलते हैं। ये इसका बेसिक डायग्राम है। पॉसिबल डायग्राम इसका कैसे बना सकते हैं, पॉसिबल डायग्राम इसका कुछ इस तरह से होगा, ए कॉमा बी, इसको हम ये भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको तो लग रहा होगा कि ये गलत है, दरअसल में ये गलत नहीं है, एकदम सही है। ए कॉमा बी, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कुछ भी ए है वो बी का पार्ट है। हाँ, यहाँ पे बी, ऑल बीज आर एज इज ऑल्सो ट्रू, मतलब सभी बी भी ए हैं, लेकिन हमको सिर्फ अपने स्टेटमेंट को देखना है कि वो ट्रू हो रहा है कि नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, मतलब ये डायग्राम भी हमारा राइट है। तो ये पहला हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करें, दूसरा स्टेटमेंट हमारा होगा वो भी एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, नो। नो इज आर बीज, नो इज आर बीज, इसको हमको कैसे दिखाना है। अब इसको हम दिखा सकते हैं डायग्राम में। ये हमने बना दिया ए, ये हमने बनाया बी। इसको कुछ लोग ऐसे लाइन ज्वाइन करके क्रॉस करके ऐसे दिखाते हैं, हमको ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान देना है, नो एज आर बीज, हम यहाँ ए पे एक क्रॉस लगा देंगे, फिर दूसरा बी पे एक क्रॉस लगा देंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप देखना चाहें तो। अगर इसमें एक आगे सेंटेंस में लिख देता और जैसे नो बीज आर सीज, अब इसको अगर हमको दिखाना होता तो कैसे दिखाते, यहाँ पे एक लाइन खींचते और क्रॉस करते, फिर बी का दूसरे सी से दिखाते। हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा एक सी दिखाना है,
यहाँ पे डबल क्रॉस कर देना है, यहाँ भी हमको डबल क्रॉस कर देना है। अब हम देख सकते हैं यहाँ भी डबल क्रॉस है सी पे, तो सी पे डबल क्रॉस है तो हमको बस देखना है कि हाँ डबल क्रॉस किस पे है, ए पे है बी पे है, जहाँ भी होगा मतलब उससे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तीसरा टाइप का स्टेटमेंट हम देखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइप का जो स्टेटमेंट होता है उसको कहते हैं सम। सम का स्टेटमेंट, सम एज आर बीज, सम एज आर बीज, ये देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसमें। इसमें बेसिक डायग्राम जो बनता है हमारा वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हमने बनाया ए, ये हमने बनाया बी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच में कि ए और बी के बीच में थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, ये एरिया, ये जो एरिया है यही स्टेटमेंट को दिखाता है क्या कि सम एज आर बीज, मतलब ए का कुछ पार्ट बी का पार्ट है, ये इसका बेसिक डायग्राम है। अच्छा, इसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है? इसके पॉसिबल दो डायग्राम बन सकते हैं, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसका पहला पॉसिबल डायग्राम जो बन सकता है वो कुछ इस तरह का होगा, ये हमने बना दिया, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑल बीज आर एज, ये तो ट्रू है, हमको उससे कुछ मतलब नहीं होगा। हम देखते हैं हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, सम एज आर बीज, मतलब ए का कुछ पार्ट बी का पार्ट है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट हमारा बी का पार्ट हो रहा है। तो ये एक पॉसिबल डायग्राम है जो कि ट्रू हो रहा है। इसका एक और पॉसिबल डायग्राम बनता है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका एक दूसरा पॉसिबल डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ए कॉमा बी। हाँ, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बन सकता है, ये तो राइट ही नहीं हो सकता है ये वाला डायग्राम, तो ये मैं आपको बता दूँ ये एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं सम एज आर बीज की कंडीशन में हमारे ये पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। इसको आप याद करके रखिए कि ये भी हमारा पॉसिबल डायग्राम बन सकता है सम के केस में। यहाँ पे हमारा सम एज आर बीज है, सम एज आर बीज करेक्ट है, लेकिन सम का मतलब होता है, ये ध्यान रखिएगा, सम का मतलब होता है मिनिमम वन, या हम कह सकते हैं सम का मतलब होता है मिनिमम वन, मैक्सिमम की बात इसमें होती नहीं है। सम का मतलब ही होता है मिनिमम वन, मैक्सिमम ये पूरा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, एक से ज्यादा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मिनिमम वन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम वन तो है ही, ये तो पूरा ऑल एज आर बीज ही है, तो ये डायग्राम भी हमारा ट्रू होगा। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा डी, उसको हम कहते हैं सम नॉट का, सम एज आर नॉट बीज, मतलब क्या है कि कुछ ए है जो बी नहीं है। इसको हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे ऐसे कुछ इस तरह से, ये हमने बना दिया ए, ये हमने बना दिया बी। अब यहाँ पे हम क्या बताया जा रहा है, सम इज और नॉट बीज, यहाँ पे ओवरलैपिंग हमने की है, ये बेसिक डायग्राम है इसका, तो ओवरलैपिंग वाला पार्ट इसमें हमारा नहीं आएगा। अब इसमें केवल वही पार्ट आएगा जो बी के अंडर में नहीं होगा, तो हम देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बी के अंडर में है, तो हमारा कौन सा ट्रू होगा, ये वाला पार्ट, सम इज और नॉट बीज, ये पार्ट हमारा ट्रू होगा। ये इसका बेसिक डायग्राम है। इसके भी कुछ पॉसिबल डायग्राम्स होते हैं। पॉसिबल डायग्राम्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं इसमें। इसका पॉसिबल डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ये हो गया सम एज आर नॉट बीज। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन दोनों पार्ट में ये डायग्राम कुछ इस डायग्राम की तरह है, ये वाला डायग्राम भी कुछ इस डायग्राम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो हम देखेंगे तो फोकस पार्ट अलग है। इस वाले डायग्राम में हमारा फोकस इस रीजन पे है, ये जो बीच में दोनों में कॉमन है। इस वाले डायग्राम में हमारा फोकस इस बीच वाले रीजन में है जो कि दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस जो है इस कॉमन डायग्राम के आउटसाइड एरिया का जो पार्ट है सिर्फ उस पे है। वैसे ही इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमारा फोकस इस पार्ट के बारे में होगा
अंदर वाले पार्ट के बारे में नहीं। तो हमको ये देखना है कि हमारा जो फोकस एरिया है वो कौन सा है। जैसे हम ऑल एज आर बीज को देखें तो हमारा ये जो फोकस है ये पूरा इस पे है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा फोकस हमारा पूरे एरिया पे पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे डायग्राम्स हैं और चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कुछ तो हमारे बेसिक डायग्राम हैं, कुछ हमारे पॉसिबल डायग्राम हैं। सम के केस में एक डायग्राम एक तरीके से और भी बन सकता है, वैसे उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए एंड बी। ये भी सम एज और नॉट बीज की कंडीशन को फॉलो करता है, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है। कैसे, आप कहेंगे इनके बीच में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो एक भी ए बी का पार्ट नहीं है। हाँ, इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, मिनिमम वन पार्ट तो कुछ होना ही चाहिए, चाहे वन ही हो, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसमें ऑल एज आर नॉट बीज, ये कंडीशन टू है, लेकिन अगर हम पार्ट की बात करें छोटे पार्ट की, तो हम इतना पार्ट ले सकते हैं, इसको लेके कहते हैं कि सम एज आर नॉट बीज, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी समझने में, या आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इसका, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे और किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। ये हमारा सिलोलिज्म्स का पहला पार्ट है, जिसमें हमने कुछ थ्योरीज को डिस्कस किया है। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम सिलोजिस में फॉलो करेंगे, और उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, कितने तरह के केसेस हम देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे के पार्ट में देखते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं या लिख लेते हैं डायग्राम्स के बारे में, कौन सा हमारा बेसिक है, कौन सा पॉसिबल है, ताकि फ्यूचर में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये डायग्राम हमारा क्या है, ये है हमारा बेसिक डायग्राम, और इसके नीचे हम लिख देते हैं पॉसिबल डायग्राम। ये जो हमारे पूरे डायग्राम है, इसमें केवल बेसिक डायग्राम ही बनता है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे ये डायग्राम है हमारा, ये कौन सा है, बेसिक डायग्राम। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारा कौन सा डायग्राम है, बाकी के दोनों, ये दोनों हमारे पॉसिबल डायग्राम है। हम इसको पॉसिबल डायग्राम देते हैं। ओके, ये और ये दोनों हमारे पॉसिबल डायग्राम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है, ये वाला, और ये बाकी के दोनों कौन से हैं, पॉसिबल डायग्राम। ओके, इनका यूज कैसे करना है, कैसे हम कहाँ पे बेसिक बनाएंगे, कहाँ पे पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे, वो मैं आगे के पार्ट में आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, ये तो थ्योरी का ही पार्ट है, जिसमें हम केवल अभी थ्योरीज को देख रहे हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करना विदाउट थ्योरी को जाने या विदाउट रूल्स को जाने बहुत ही डेंजरस होता है। आप क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो तो अलग ही बात है, साथ ही साथ आपका फोकस भी इससे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट होता है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो आपका मन होता है वो भी धीरे धीरे उस टाइप के क्वेश्चन से हटता जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बेसिक्स पे पहले ध्यान दें, ये हमारा बेसिक्स है, जो रूल्स हैं हमारे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। हम सभी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे और आप देखेंगे कि इसी की हेल्प से हम कितने इजीली सारे क्वेश्चंस को करेंगे बिना समय को ज़्यादा खर्च किए हुए। ध्यान रखिए, हमारे एग्जाम्स में समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही कम होता है, तो हम जितना ज़्यादा समय लगाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उतना ही हमारा सक्सेस होने का रेट कम होता जाएगा। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को चाहे एक घंटे में लगे, चाहे आधे घंटे में, चाहे 5 मिनट में, चाहे 10 सेकंड में, नंबर आपको एक ही मिलने हैं, एक से ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलने हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए,
कि जितना कम से कम समय खर्च कर सकें, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, पॉसिबिलिटी के केस हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम आइदर आर केस सॉल्व करते हैं, कैसे हम आइदर नॉर केस को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, यहाँ पे जो सर्कल्स हम बना रहे हैं, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सर्कल्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। वेन डायग्राम के लिए हम स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ड्रॉ क्यों नहीं करते हैं, वो जस्ट सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि सर्कल बनाना हमारे लिए आसान होता है, हमको सिर्फ एक गोला ही खींचना होता है। पॉलीगन बनाना हो या स्क्वायर ड्रॉ करना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात ये कि इसमें हमको ऐसे सर्कल्स बनाना है, तभी ज़रूरी नहीं है कि हमारा एकदम परफेक्ट सर्कल ही होना चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसे ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर दीजिए, बस रूल्स का ध्यान रखिए कैसे आपको ड्रॉ करना है। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी समझ सकें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन उतनी हार्ड नहीं है जितना वो समझते हैं। अगर हम स्मार्ट वे में थोड़ा काम करें तो बहुत ईजिली हम एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।